सच्चा गुर दीपक दरिया गुर दीवा गुर चांद्रोणा हरे सच्चा नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम परिष्कर मोहब्बत से सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीनदारों, कुछ बरसों से दुनिया के ऊपर बहुत नाजुक वक्त गुजर रहा है, बहुत नाजुक समय में से दुनिया पसार हो रही है कुछ सालों से,
और ये होते रहता है, चढ़ाव उतार दुनिया के ऊपर आते रहते हैं, फैमिली के अंदर आते रहते हैं, इंडिविजुअल इनफरादी जिंदगी के अंदर आते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुछ 15-20 औरतें, थोड़ी कराची की, थोड़ी बंबई की, आबिद औरतें, मोमिन औरतें, माँ बाप के पदराम नहीं होवे तो अक्सर माँ बाप की मुलाकात मांगे, हाजरे इमाम के साथ ऑडियंस लेवे, रूहानियत की बातें होवे। ऐसे एक पदरामने के मौके के ऊपर 15-20 औरतें मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह की मुलाकात की, मार्फत की बातें हुई, रूहानियत की बातें हुई। कुछ औरतों ने अपने अपने दुखड़े रोना शुरू किया। मैंने कहा ना कि चढ़ाव उतार आते रहते हैं कुटुंब के ऊपर, दुनिया के ऊपर, व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर। माँ बाप सब सुन लिया। सुनने के बाद सरकार फरमाते हैं, देखो ये दुनिया है, क्या कहते हैं। अब इसमें और एक क्वेश्चन क्या था पता है, कैसा इतने जमात खाने अछूता, इतनी सेवा करूता, इतरो मौला के मनोता, हमें आटलू मानिए छे मौला ने, आटली खिदमत करिए छे, आटलो प्रेम करिए छे, तो हमने तो सुख ने सुख होव जोइए। दरअसल अंदर ये बात, माँ फरमाते देखो ये दुनिया है, और ये दुनिया ऐसी है जिसमें तकलीफ, मुश्किलियां, बीमारियां, बलाएं, आफतें, उसका बारिश चालू ही रहता है, लेकिन हमारे दुआशीश तुम्हारे साथ में हैं, हमारे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में हैं। और फिर फरमाया, देखो जमात खाना, जिक्र फिक्र बंदगी, नेक आमाल, वो रेनकोट और छतरी तुम्हारे पास में रखना और बारिश को पड़ने दो। मौला ने फरमाया तुम टूटोगे नहीं, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, क्योंकि ये दुनिया है। 1953 में, 1953 के अंदर एक बहुत अहम मैसेज संदेश शाह सुल्तान मोहम्मद शाह ने भेजा था अफ्रीका के ऊपर, लेकिन हर एक को ये लागू होता है। मैंने इसका हिंदी में तर्जुमा किया है, मेरे पास गुजराती कॉपी थी। मैसेज ऑफ हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1953, तवज्जो देना। मौला फरमाते हैं, किसी भी हालत में डरो मत, किसी भी हालत में डरो मत, जैसा इस दुनिया में होता आया है वैसे तुम्हारे में से कितने लोग कुछ वक्त के लिए तकलीफ और मुश्किलियों में आ जाते हैं, लेकिन ये तकलीफें मुश्किलियां परमानेंट हमेशा की नहीं होती है, लेकिन इंसानी जीवन के साथ होती हुई एक कड़ी के मानंद है, मानव जीवन में ओतप्रोत बनाएली एक कड़ी मिसाल छे। फिर फरमाते हैं, अगर तुम्हें कभी किसी वक्त गमगिनी, उदासीनता, तकलीफ, मुश्किली जैसा लगे तो तुम्हारे दिल की गहराई के अंदर उतर जाओ। तवज्जो देना, तुम्हारे दिल की गहराई में उतर जाओ, तुम्हारा अंतकरण में उंडा उतरी जाओ, और तुम्हारी जो रूहानी कुवत है, स्पिरिचुअल पावर है, उसके तरफ अपना कॉन्सेंट्रेट करो,
अपना ख्याल एक करो और तुम्हें वो रूहानी कुवत आत्मिक शक्ति चारों तरफ से तुमको मदद देगी। इबादत बंदगी के अंदर अपने ख्याल को लगा लो। बेस्ट ब्लेसिंग, उत्तम दुआशीष, सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अपने दिल के अंदर उतर जाओ। कब? तमने क्यारे गमगीनी जेवू लागे, उदासीनता जेवू लागे, मुश्किली लागे, उतर जाओ अपने दिल के अंदर। या मौला, या मौला, या इमाम जमान, या मौलाना अंत कुवती व अंत सनदी वाले कतिकाली, या हाजिर या मौजूद, या हजर इमाम तू मेरी शक्ति है, या हजर इमाम तू मेरी हिफाजत है, या हजर इमाम तू मेरा शेल्टर है, तू मेरा आधार है। वसाहिल उमरना वरजुकना वरहमना, मेरे काम आसान कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, मुझे रोजी दे। दिन दर उतर जाओ दिल के अंदर। अली समरे अली पाइए, अली समरे अली पाइए, अली समरे सुख होए निकट निपट अली वसे। पण अली समरत नहीं। दो चीजों का ख्याल रखो। ऐसी तो कई चीजें हैं, एक तो दिनदारों, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो काउंसिल्स हैं, हमारी जो तरीका बोर्ड है, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो हमको जो हिदायत देती है, जो सूचन करती है, उसके तरफ नजरअंदाजी मत करो और उसको बराबर समझने की और अमल करने की कोशिश करो। ये मैं नहीं कहता हूं, 1967 के अंदर इंडिया के विजिट में मौलाना हजर इमाम ने पूरी दुनिया भर के लिए मैसेज भेजा था, जिसका तर्जुमा इस मुताबिक है। आजे अमारा फरमान मा अमे जे बाबतो विषय उल्लेख करशो ते गणी इम्पोर्टेंट छे, अमे छे छे के ते ऊपर अमल करजो, अने तेने अनुसरवानो यानी उसको फॉलो करने का अमारी जमात माटे कम्पल्सरी बनाविए छे, फरजियात बनाविए छे। अमो नथी इच्छता के तमो जमातना आगेवानोना लीडरोना हुकम न मानो। काउंसिलो के जेनी नेमणूक मैं करी छे ते जे सूचनाओ आपे छे तेने तमे न मानो अने आगेवानोनी सूचनोथी तमे विरुद्धमां वर्तो। जो फेडरल काउंसिल यानी अभी नेशनल काउंसिल, जो फेडरल काउंसिल अथवा बीजी काउंसिलो तमने कई सूचनाओं आपे तो ए सूचनाओं पर अमल थवो जोइए, मारू आ फरमान याद राख। तो मैंने अर्ज की कि दो चीजें ख्याल करो, एक तो ये और दूसरा, हम सबको पता है काफी लोग गए थे अमेरिका से, इंडिया से, दूसरी जगह से। हुसैन हाजर इमाम अक्टूबर 2000 में कराची थे। मौलाना हजर इमाम ने तकरीबन 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बहुत अहम फरामिंग किए, बहुत इंपॉर्टेंट फरामिंग किए, और मैंने उस फरमानों की स्टडी की, अभ्यास किया, अभी भी चालू है। मुझे एक एसेंस ये भी मिला उस फरमान में से, उस अभ्यास में से, कि हजर इमाम अभी चाहते हैं कि मेरे रूहानी बच्चे, मेरी जमात अब रूहानियत को भी समझने की कोशिश करे, मजहब की गंभीरता को, संजीदगी को समझने की कोशिश करें। जैसे हम दुनियावी तौर पे, मटेरियल तौर पे आगे आए हैं, ऐसे हजर इमाम के फरमान के अंदर से एक एसेंस ये आता है कि अब तुम थोड़ा इस तरफ भी ख्याल करो। जो मैं पिछले साल आया था सितंबर के अंदर, जब भी मैंने यही मैसेज दिया था, और ये हजर इमाम के फरमान आ गए हमारे सामने।
मैं कुछ फरमान आज नोट करके लाया हूँ खुदा हाजिर इमाम के। इसमें एक फरमान 24 अक्टूबर का, तीन फरमान हुए थे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के अंदर। हाजिर इमाम फरमाते हैं, और ये अहम है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है कि मेरे रूहानी बच्चे इतना वक्त और प्रयास अच्छी तालीम एजुकेशन हासिल करने में डाले हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ दुनियावी जिंदगी नहीं है। कितना हाबिले गौर, कितना मनन करने जैसा एक एक जुमला है। मैंने गिनान दिया, पंजाबी गिनान है। हमको कराची के वाइजिन सेंटर में जब ट्रेनिंग लेते थे, मैं अलवाइज कमालुद्दीन, अलवाइज अजरीना, हमको मरहूम नूरुद्दीन बख्श ने गिनान सिखाया था। मैंने स्क्रिप्ट में है ये गिनान, गुर दीवा गुर चांद्रुणा सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर मुर्शिद गुर हजर इमाम, वो दिया है, वो लैंप है, वो चांद्रुणा यानी लाइट है, रोशनी है, सच्चा गुर दीपक दरिया। जैसे समंदर के अंदर लाइट हाउस होता है ना, दीवा डांडी, के स्टीमर टकरा न जाए, ऐसे ये दुनिया के समंदर के अंदर हाजर इमाम एक लाइट हाउस है, एक दीवा डांडी है। सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर बिना तारा मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रैन भंडार। मुर्शिद की मदद के बगैर, उसकी दया और रहमत के बगैर, जो खजाने के भंडार भरे हुए हैं उसके ताले नहीं खुलते हैं। अजियान सारे तुमको ताला खोल के, दरवाजा खोल के, हीरा और जवाई रात रूपी फरमान तुम्हारे सामने डाल दिए। अजियान सारे, हजी भी होशियार नहीं होता है, हजी भी चेतता नहीं है, अभी भी गफलती के अंदर रहता है। ए वीरा मारा, याद रखना, धर्मी तरेंगा, मजहबी तरेंगा, और वो जीवड़ा ना डरेगा। धर्मी तरे, जीवड़ा ना डरे। मौला ने, मैं बार बार फरमान पढ़ता हूं, मैंने सुना यहां भी वक्तन फवक्तन इसकी रीडिंग होती है। मौला तूने क्या हमारे ऊपर दया की है। मौला कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ सिर्फ दुनिया नहीं है, दुनियावी जिंदगी नहीं है, लेकिन रूहानी जिंदगी को भी समझना बहुत जरूरी है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली द वर्ल्डली लाइफ, इट इज ऑल्सो बेटर टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ, नियमित आओ, रेगुलर आओ। मैं तंज नहीं करता, ये सेंटेंस के ऊपर मुझे कुछ कहना है, मैं टिका नहीं करता, मुझे यहां का पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे कांटेक्ट में आते हैं, और जैसे अक्सर मैंने कहा है कि वो हाजिर इमाम को चाहने वाले लोग हैं, मौला को ही प्यार करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नियमित आओ, रेगुलर आओ, आई एम गोइंग एवरी फ्राइडे। नियमित का मतलब ये भी हो सकता है, बोले आई एम गोइंग एवरी चांद रात, रेगुलर का मतलब ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि ऐसा मतलब होवे, मौला का ये मकसद होवे? हाँ, मेरी डिस्कशन हुई है इन लोगों के साथ, ऐसी गलत फहमी नहीं करना। हाजिर इमाम से अपने आप को होशियार मत बनाना। खुदाया मने ए जोएने हसू आवे छे, त
તારા બનાવેલા તને બનાવે છે. મોલા કહેતા હૈ જમાત ખાને રેગ્યુલર આવ, इसलिए हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ और तुम्हारी जिंदगी के अंदर दीन और दुनिया के बीच में तवाजुन बैलेंस रखो. तुम्हारी जिंदगी में दुनिया और मजहब के बीच में ये बैलेंस संभाल के रखो ट्वाइस, दो दो मर्तबा. नाउ लिसन, अभी सुनो, तुम्हें ये जानना ही चाहिए. जब भी फरमान सुनो या पढ़ो वो शब्द के ऊपर ध्यान दो. यू मस्ट नो, यू नो नहीं, ओनली यू नो नहीं, यू मस्ट नो. तुम्हें ये जानना ही चाहिए कि सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है. कौन सा? ये कौन सा? जिक्र तस्बीह. कौन सा? हमारे पाक पवित्र अमल, हमारी फिकल लाइफ. सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है, ये सुख शांति का बेहतरीन रास्ता है. इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस. ट्वाइस, इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस. मैं तो नहीं गया था, आप लोग तो बहुत थे ना. कैसे थे उस टाइम पे मौला के एक्सप्रेशन जब बोला है फरमान करता था कि मां अपने बच्चों को समझा रही है कि इससे बड़ा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है. करोड़ों डॉलर बना लो, बनाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, गाड़ियां लो, हाउसेस लो, दुनियावी मौज शौक के अंदर पड़े रहो, लेकिन जो सुख मौला कहता है यहां मिलेगा इन चीजों के अंदर, इसका कंपैरिजन और कोई चीज नहीं कर सकती. और फिर भी एक रूहानी बच्चा गाफल रहता है, बेदरकार रहता है, लापरवाह रहता है. मेरे को क्या जरूरत है, आई एम हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है, अरे बहुत सुख है. लेकिन कभी तख्ता पलट जाएगा किसको मालूम है, कभी तख्ता पलट जाएगा किसको मालूम है. उसके ऊपर हम आते हैं. फरमान में पूरा कर दूं, मौला फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी में ये तवाजुन बैलेंस रखो. नाउ आई रिपीट द नेसेसिटी टू लीड अ बैलेंस लाइफ. बी केयरफुल नॉट टू लेट मटेरियल गोल्स, मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स बिकम द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन योर लाइफ. बी केयरफुल ऑफ दैट. Be regular in attendance in जमात खाना. हम ये दोहरा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में ये बैलेंस रखो, होशियार रहो. Be careful, होशियार रहो कि दुनियावी मकसद, दुनियावी तरक्की तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ अहम बाजू ना बन जाए. मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, अभी यहां कितने बैठे होंगे जिन्होंने अपने मकसद यही बना लिया. माफी के ना हुए तो सॉरी, तो मुबारक. लेकिन आटला वर्षों में मैंने यहां पहुंचू छे, आटला बनावा छे, बच्चा ने यहां सुधी ले जावा छे. हाँ बराबर बराबर, जरूरी है. लेकिन फिर ये सही दुआ जमात खाना ठीक छे यार. नहीं नहीं, खुदा अंशा करीम आज़र इमाम के हुजूर में 1978, अभी तो माशाल्लाह है, अच्छा है, सुखी है, बहुत रिच से सुखी है दोनों तरीके से, स्पिरिचुअली वर्ल्डली. जो बात मैंने इनके पास से सुने, मेहमान एक के अंदर आया, मौला को अरेस्ट करता है, खुदावन मैं अफ्रीका से आता हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं. क्या कहता है? मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं. आई वॉज हैप्पी देयर बट वेन आई हर्ड योर फरमान आई कैन हियर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी हियर मौला. और मेरे साथ जब बात करते थे ना तो रोते थे,
वो पास्ट याद आ रहा था। फिर कहता है आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक, ये वापस नहीं जाना है, बट खुदाविंद आई एम नॉट हैप्पी हियर बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड वर्क एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, मुझे वापस नहीं जाना है मौला, लेकिन इतना सख्त काम करना पड़ता है और इतने प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे कहता है अटलू के रड़ी पड़ी जली आपको बस रो पड़ा। क्या कहा होगा आदरी माम ने, जहां बच्चा खाना होता जा पाछो चलिए। सुनो हम सब के लिए, मैं रिपीट करता हूं, थ्राइस दुनिया के ऊपर प्रॉब्लम है, खानदान में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दुनिया है। मौला फरमाते हैं माय डियर चाइल्ड से सलवात ऑलवेज, रिसाइट तस्बीह ऑफ सलवात ऑलवेज एंड गो मॉर्निंग एंड इवनिंग जमात खाना रेगुलरली, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सलवात पढ़ अल्लाह, सलवात बराबर पढ़, तस्बीह निकाल सलवात की। मैंने कहा ना कि पावर मिलेगा, पांच बख्शीश है। क्या है पांच बख्शीश जानते? तुम्हारा जोर बढ़ेगा। कौन सा जोर? ये मोटा होता जाऊंगा। तुम्हारू जोर वधशे, तुम्हारा दुश्मन दफे थशे, तमने दीदार नसीब थशे, तुम्हारा गुना माफ थशे, अने तमने बहेश नसीब थशे। कितनी पावरफुल चीज है। और खुद मुख मुबारक से फरमाया है रिसाइट सलवार ऑलवेज, क्योंकि तीन नाम एक साथ में आ जाते हैं, अल्लाह मोहम्मद और अली, तीनों नाम एक साथ में आ जाते हैं। ठीक है, कभी फुर्सत में बैठे हैं, कार ड्राइव करते हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मौला मौला हेल्प कर, मौला मदद कर, मौला रास्ता दिखा, वो साहिल मरना वर झुकना बरहना निकालेंगे, वो रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। एक और भाई साथ में निकला है, मैं कह दूं और भी जमात खाने में बताऊंगा, क्योंकि एक मेडिसिन सब जगह देनी पड़ती है। मेंटली रिटायर्ड लड़की 16-17 वर्ष की, मेवानी के अंदर लेके आए, बोले मंगल चाइल्ड बच्चा हो गए 17 वर्ष का, इसकी बुद्धि हो गए 4-5 वर्ष के जैसी, नहीं सबका चेहरे एक सर के दिखते हुए। सब मां ने कुछ अरीजा नहीं रखा, क्योंकि डॉक्टरों ने तो कह दिया था ऐसे बच्चे को उनका कोई चांस नहीं होता है, मोस्टली 99%। हाजरी मान दुआशीष दिए, लड़की के ऊपर हाथ रखे, बेचारी कुछ अरीजा नहीं की कि खुदा मेरी बच्ची ऐसी, एक्सेप्ट कर ली। हाजरी मान फरमाते हैं तुम एक काम करोगी, इसको सलवात पढ़ाओ। क्या कहते हैं मौला? ये बच्चे को सलवात पढ़ाओ, अगर वो ना पढ़ सके उसके बिहाफ तुम पढ़ो, अगर कभी तुमको टाइम ना मिले तुम्हारे कोई फ्रेंड को या रिश्तेदार को कहो इसके लिए सलवात। क्या होगा? मिरेकल होगा। मौला ने फरमाया तुमको और इसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रूहानी खुशी, हकीकी खुशी। मैंने कहा ना अली समरे अली पाइए, अली समरे सुख होए, निकट निपट अली वसे पण अली समरत न कोई, हृदय अली को नाम लिख और अखर सब थोए, अहमद अली अली बोलनता होनी होए सो होए, अहमद अली अली बोलन। आमीन खुदा भी, आमीन खुदा भी, सेट कर लीजिएगा, मैं फरमान पूरा कर दूं। मौला फरमाते हैं हम ये दोहरा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में बैलेंस रखो, होशियार रहो कि दुनियावी मकसद, दुनियावी तरक्की
तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ अहम बाजू न बन जाए, इस चीज का ख्याल करो। जमात खाने की हाजिरी के अंदर तुम नियमित रहो। बहुत बहुत दुआशीष, बहुत बहुत खानावदान खानावदान सलवात पर अल्लाहुमा सले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अर्ज की कि कभी मौला सबको अमन व अमान में रखे, सबको हिफाजत में रखे, और उसके दुआशीष हमारे साथ में है। लेकिन मौला कहता है देखो ये दुनिया है, कभी उठल पाथल होती है, कभी क्या करवट बदलती है जिंदगी हमारी, हमें नहीं पता है। इसके लिए कहता हूं कि अगर यहां आने की आदत नहीं होगी, और बहुत मतलब नहीं आ सकते तो ऑल राइट, लेकिन बराबर दुआ के टाइम के ऊपर अपनी दुआ अदा कर लेते हैं। शाम को नहीं आ सकते तो सुबह को आते हैं, 4 बजे सुबह नहीं आ सकते तो 5 बजे आते हैं, लेकिन एकदम ब्लैंक हो जावे, मौला को प्यार करते हैं तो फिर कभी टूट जाते हैं। और अक्सर मैं के सुबह की वायद में बोला था कि अहम ईगो अहंकार तकबुरी, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन एक झटका आया 26 जनवरी को, आपके तो टीवी में बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, अर्थक्वेक हुआ, देखा ना आपने, और मैंने उस टाइम के 15-20 दिन के न्यूज़पेपर सब संभाल के रखे हैं, उसके कटिंग संभाल के, रोने का आ जाए। मैं वहां वायस भी करके आया, अभी वहां की टूर करके आया कच्छ की, मैं सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है, यानी अमुक गांव 3-4 गांव एकदम डिस्ट्रॉय हो गए। इसमें हमारी जमात भी है, इसमें हमारी जमात दूसरी कम्युनिटी को बहुत इफेक्ट हुआ है। एक वाक्यात पढ़े, लिखता है, स्टेटमेंट देता है कि हमेशा बंगला में रेवावाड़ा, झूला नी अंदर झूलवावाड़ा, मर्सिडीज गाड़ियों में फरवावाड़ा, आजे अमे पराया रोटला खाइए छे, ट्रस्ट ना रोटला खाइए छे। रोते रोते कहता है, टीप इंटरव्यू ले कि हमको ट्रस्ट के दूसरे के दान के रोटली खानी पड़ती है। और दिन न कर तू माल की मस्ती, उम्र चल जाएगी सस्ती, न कर तू अरे माल की मस्ती, उम्र चल जाएगी सस्ती, अरे तलो तल मौत है हस्ती के आखिर हाक हो जाना, तलो तल मौत है हस्ती के आखिर हाक हो जाना, अरे खुशी से महल में बसते हजारा बाग के रसते, अभी वो धूल में बसते के आखिर खाक हो जाना, अभी वो धूल में बसते के आखिर खाक हो जाना। अजल मौत अजल पल भार में आवे, अंधेरी कब्र में जावे, अरे करोने की जो काम आवे के आखर हाक हो जाना। मैं अगेन कहता हूं, फिर से कहता हूं, मौला सबको अमान में रखना, लेकिन ये दुनिया के ऊपर बारिश चालू है। और मैं सलाम करता हूं वो जमात को, ये कच्छ के अर्थक्वेक के अंदर इमीडिएट उसी तारीख 26 तारीख को सिद्धपुर की जमात ने जो काम किया है, मोमिन जमात ने अपने ट्रक्स लेके खाना पीना दवा पानी मुसलसल 15-20 दिन तक, न रात देखा न दिन देखा, एक ही मौला का फरमान, मेरे बच्चों को रूहानी बच्चों को मदद करो, जो फरमान अक्सर मौला कर। आज कराची की जमात भी कुछ रूहानी बच्चों को संभाले हुए हैं, कनाडा की जमात भी, हमारे हैदराबाद की जमात भी कच्छ के कितने इस्माइली को संभाले हुए हैं,
ऐसा हथेड़ी के अंदर रखा है, एक साल तक इनको बराबर ध्यान रखेंगे जब तक सेटल न हो जाए। और ये भी रूहानियत का एक हिस्सा है। रूहानियत यानी क्या, स्पिरिचुअल लाइफ यानी क्या, खाली में तस्वीर फिराया करूं, खाली जमात खाने आया करूं, बराबर है। लेकिन हकीकत में स्पिरिचुअल लाइफ दो फरमान देखो कितने बरसों के बाद रिपीट किया वापस 59 के अंदर फरमाते हैं 1959, उसके बाद 1998 में वो कॉपी है। आ दुनिया अने आखरत, आ दुनिया अने आखरत बनने मा तमने पोताना भाई बहनों तरफ मोहब्बत अने दया करवानो घणो मोटो बदलो मळशे। याद राखो तमो एक बीजानी मदद करो, तमो बीमार गरीब अने कमजोरोनो ध्यान राखो, आवा मारा रूहानी बच्चाओं पर जरूर ध्यान आपो, आवा रूहानी बच्चाओं ने जरूर मदद करवी, आ खिदमत करता बीजी कोई उत्तम खिदमत नथी। घणा दुआशीष। नाउ लिसन 98 का फरमान, मालो दौलत जमा करवी, धन संपत्ति जमा करवी ए कुटुंबनो अने जमातनु रक्षण करवा माटे छे। क्या कैसा सेंटेंस है कि मालो दौलत को जमा करना वो अपनी फैमिली की हिफाजत एंड जमात की हिफाजत, जमातनु रक्षण करवा माटे छे। जे काई वधु प्रमाणमां होय तो पछी तेनाथी उदारता दाखवो, એનાથી ઉદાર આપણા ધર્મની એ નીતિમતા છે, એથિકલ લાઈફ આપણા ધર્મની એ એથિક્સ છે। સવાલ માત્ર એટલો નથી કે મેં શું મેળવ્યું છે, મેને ક્યાં હાસિલ કિયા, આ અચ્છા હો ગયા અભી માશાઅલ્લાહ, મેં શું મેળવ્યું છે। સવાલ એ છે કે બીજાઓ એ મેળવવા પામે તે માટે મેં શું મદદ કરીશ, કે જૈસે મેં સુખી હુઆ હું ऐसा मेरा दीन भाई कैसे सुखी हो सकता है, जैसे मैंने ये सब बनाया है ऐसा मेरा दीन भाई उसको मैं क्या मदद कर सकता हूं। ये विचार इस्लाम में सामाजिक ईमानदारी नो विचार छे। खानावदान खानावदान सलावत पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। और माशाल्लाह हमारी जमात इसी तरीके से चलती है, इसी तरीके से। लेकिन कभी कभी दुनिया है ना, हर एक के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं हर एक के अंदर, हम भले कहां से भी आए, हम गुजरात से आए हैं, हम कच्छ से आए हैं, हम सिंध से आए हैं, हम कराची से आए हैं, हम पंजाब से आए हैं, कहां से भी आए हैं, जिस्म को नहीं देखना, एक चीज देखो सबके अंदर खुदावन नूर मौलाना शाह करीम हाजर इमाम के नूर का अंश है। सब गट एक ज रहमान ईसे। और जब हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो वो अकबर भाई या फलाना सदरू भाई के, जरीना बेन के, नीलम बेन के, उसको हेल्प नहीं करते हैं, उसके अंदर जो खुदा उनशा करीम हाजिर इमाम का जो अंश है ना, वो मौला मेरे को चांस देता है। कैसी फिलोसफी, कैसी फिलोसफी। और ऐसी जिंदगी अपनी पसार करो। ठीक है, आखिरी एक बात बताऊं, मेरी लास्ट विजिट के अंदर मैं कनाडा भी गया था, वो भी मेरी पर्सनल विजिट थी। 11 जुलाई को एक वाकया बना। मैं 11 जुलाई को वैंकूवर में था, मगर मैं मेन जमात खाना बरनबी जमात खाना में था, दरखाना के अंदर। जमात खाना छूट गया 11 जुलाई इमामत डे, तो हमको एक मैसेज मिला है कि डाउनटाउन के अंदर, डाउनटाउन जमात खाना है एक, कि वहां एक वॉलंटियर अपना खिदमत दार, लगभग उसकी एज 49 55, उसका नाम भी है अभी मेरे पास, बोले वो खुदा की रहमत पे पहुंच गया, अजल पल भार में आवे, अंधेरी कब्र में जावे, करो नेकी जो काम आवे, क्या हर हाक हो जाना। कैसा पहुंचा, वॉलंटियर का ड्रेस पहन के आया, सेवा किया, नांदी पे खड़ा रहा, बिरयानी लिया, 11 जुलाई थी कि घर पे बिरयानी लेके जावे, वैक्यूम किया जमात खाने में, रोज इसकी ये प्रैक्टिस थी, पूरे जमात खाने में वैक्यूम करके
फिर बोलता है कैप्टन को कि मुझे जरा तस्बीह काटी लो। तस्बीह निकालने बैठा और तस्बीह निकालता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। मुखी साहब कैप्टन को कहता है भाई वो उसकी तस्बीह पूरी नहीं हुई, जमात खाना बंद करना है, देख जरा सो तो नहीं गया है। जाके ने कैप्टन करीम गिर गया, खुदा के रहमत पे पहुंच गया। तस्बीह निकालते निकालते खिदमत करते करते मौला को याद करते करते दिनदार। मैंने कहता हूं कि सबकी मौत ऐसी हो, लेकिन सबकी मौत ऐसी हो कि मौला तेरा नाम जबान पे होवे, तेरा जिक्र दिल के अंदर होवे, तेरी फिक्र होवे, रूह की फिक्र होवे। एची करे दीवो तारी देही मा, एक दिया एक चराग तेरे जिस्म में है। बीजो दीवो सता पर मातमा, जा लगी दीवे दीवो मणे नहीं, अरे क्या लगी ए तारो जीव पेरा खाया। सतगुर कहे एर खिसर सांभणो। एक बहुत अहम मैसेज संदेश शाह सुल्तान मोहम्मद शाह ने भेजा था अफ्रीका के ऊपर, लेकिन हर एक को ये लागू होता है। मैंने इसका हिंदी में तर्जुमा किया है, मेरे पास गुजराती कॉपी थी। मैसेज ऑफ हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1953। तवज्जो देना, मौला फरमाते हैं किसी भी हालत में डरो मत, किसी भी हालत में डरो मत। जैसा इस दुनिया में होता आया है वैसे तुम्हारे में से कितने लोग कुछ वक्त के लिए तकलीफ और मुश्किलियों में आ जाते हैं, लेकिन ये तकलीफें मुश्किलियां परमानेंट हमेशा की नहीं होती है। लेकिन इंसानी जीवन के साथ होती हुई एक कड़ी के मानंद है, मानव जीवन में ओतप्रोत बनाएली एक कड़ी मिसाल छे। फिर फरमाते हैं अगर तुम्हें कभी किसी वक्त गमगिनी उदासीनता तकलीफ मुश्किली जैसा लगे तो तुम्हारे दिल की गहराई के अंदर उतर जाओ। तवज्जो देना, तुम्हारे दिल की गहराई में उतर जाओ, तुम्हारा अंतकरण में ऊंडा उतरी जाओ और तुम्हारी जो रूहानी कुवत है स्पिरिचुअल पावर है उसके तरफ अपना कॉन्सेंट्रेट करो, अपना ख्याल एक करो और तुम्हें वो रूहानी कुवत आत्मिक शक्ति चारों तरफ से तुमको मदद देगी। इबादत बंदगी के अंदर अपने ख्याल को लगा लो, बेस्ट ब्लेसिंग उत्तम दुआशीष, अपने दिल के अंदर उतर जाओ। कब तमने क्यारे गमगिनी जेवू लागे, उदासीनता जेवू लागे, मुश्किली लागे, उतर जाओ अपने दिल के अंदर। या मौला या इमाम जमान, या मौलाना अंत कुवती व अंत सनदी वाले कतिकाली, या हाजिर या मौजूद, या हाजिर इमाम तू मेरी शक्ति है, या हाजिर इमाम तू मेरी हिफाजत है, या हाजिर इमाम तू मेरा शेल्टर है, तू मेरा आधार है। वसाहिल उमरना वरजुकना वरहमना, मेरे काम आसान कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, मुझे रोजी दे। दिनदार उतर जाओ दिल के अंदर। अली समरे अली पाइए, गुर बिना ताड़ा मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रैन भंडार। मुर्शिद की मदद के बगैर, उसकी दया और रहमत के बगैर, जो खजाने के भंडार भरे हुए हैं उसके ताले नहीं खुलते हैं। अजियान सारे
हजी भी होशियार नहीं होता है, हजी भी चेतता नहीं है, अभी भी गफलती के अंदर रहता है। ए वीरा मारा, ए वीरा मारा, याद रखना, धर्मी तरेंगा, मजहबी तरेंगा और वो जीवड़ा ना डरेंगा। धर्मी तरे, जीवड़ा ना डरे। हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ, नियमित आओ, रेगुलर आओ। The purpose of education is not only the worldly life, it is also better to understand spiritual life. तुम्हारी जिंदगी में दुनिया और मजहब के बीच में ये बैलेंस संभाल के रखो ट्वाइस, दो दो मर्तबा। Now listen, अभी सुनो, तुम्हें ये जानना ही चाहिए। You must know, you know नहीं, only you know नहीं, You must know, तुम्हें ये जानना ही चाहिए कि सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है। कौन सा? ये कौन सा? जिक्र तस्बीह। कौन सा? हमारे पाक पवित्र अमल, हमारे हिकल लाइफ। सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है, ये सुख शांति का बेहतरीन रास्ता है। इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस, ट्वाइस, इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस। आ दुनिया अने आखरत, आ दुनिया अने आखरत बन्ने मा तमने पोताना भाई बहनों तरफ मोहब्बत अने दया करवानो घणो मोटो बदलो मळशे। याद राखो, तमो एक बीजानी मदद करो, तमो बीमार गरीब अने कमजोरोनु ध्यान राखो। आवा मारा रूहानी बच्चाओं पर जरूर ध्यान आपो, आवा रूहानी बच्चाओं ने जरूर मदद करवी। आ खिदमत करता बीजी कोई उत्तम खिदमत नहीं। घना दुआशीष। नाउ लेसन 98 का फरमान, मालो दौलत जमा करवी, धन संपत्ति जमा करवी, ए कुटुंबनो अने जमातनु रक्षण करवा माटे छे। क्या कैसा सेंटेंस है कि मालो दौलत को जमा करना वो अपनी फैमिली की हिफाजत एंड जमात की हिफाजत, जमातनु रक्षण करवा माटे छे। बेस्ट ब्लेसिंग, उत्तम दुआशीष, बैलेंस इसके लिए रखना। दुनिया भी कमाओ, पैसे वाले बनो और रूहानियत में भी आगे बढ़ो, ताकि जब ये जिस्मानी जिंदगी पूरी होवे, मौला आया थी निकलियो, सीधो तारी अंदर समय जाओ। खुदा हाजिर इमाम आपको सुखी रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। या मौला हकीकत समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, ना फरमाने के काम से बचाना, जाहिर बात उन गुनाहों को माफ करना, दया करके, फजल करके, मेहर करके, जानिया अजानिया गुनाह माफ करके। मौला 14 साल हो गए हैं आप यूएसए नहीं आए हैं, रहम करके, तेरी मीठी नजर करके जल्द से जल्द यूएसए आके अपनी जाहिरी और बंदगी में बातुनी दीदार नसीब करना। गुरु जमात के है जिंदा। ए जी आशाओं पूरी, आशा हम बंदो आव्यो तेरे द्वार, तू ही मेरो खालक, तू ही मेरो साया शाह, तू ही मेरो साया। या अली तू ही जसतार,
या मौला तू ही जदाता मेहर करो मोरा साहिया अली हम तेरे आधार मेहर करो मोरा साहिया अली हम ते जमात है जिंदा सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला